इसमें ला रही तो हम अब डेरेवेटिव की एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं वी आर डूइंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इसमें आज हम बात करेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद रिस्पेक्ट टू इक्विटी ये ज़रा मेरा अपना लाइक like एरिया है क्यों इक्विटी में हम लोग थोड़ा इन्वॉल्व ज़्यादा रहते हैं स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट भी करे होते हैं आप लोगों ने भी शायद ज़्यादा सुना होगा स्टॉक मार्केट शेयर तो ये ज़्यादा लिंक्ड है टू द इक्वटी मार्केट सो इसकी ये चुरल एफिलिएशन या लर्निंग फैक्टर भी आप इसमें देख सकते हैं एनिक्विटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्ड इन सेमिलर वे बाकी डेरिवेटिव की तरह ही है लेकिन इसमें अंडरलाइंग क्या होगा अंडरलाइंग कुड भी अ स्टॉक किसी एक कंपनी का स्टॉक एप्पल का स्टॉक गूगल का स्टॉक या निशाद मिल का स्टॉक किसी एक स्टॉक की बात होगी या किसी पोर्टफोलियो की एक सर्टन ब्रांच ऑफ स्टॉक और इट कुड बी ऑन एन इंडेक्स के एस सी अंडर इंडेक्स एस एन पी फाइव हंड्रेड मल्टीपल इंडेक्स पे किसी पे भी ये हो सकता है इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय अ प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ शेयर्स और अ पोर्टफोलियो एड अ गिवन डेट क्या हम कह लें कि जी हम आपसे दस हजार शेयर इस रेट पे एक महीने बाद तीन महीने बाद लेंगे या ये इंडेक्स की सेटलमेंट पे हम उसकी लिंक कर सकते हैं Think of an investor who holds thousand shares of Google and wants to sell them after 60 days. किसी के पास thousand dollar, वो thousand shares हैं और वो सिक्स टू months के बाद उसको बेचना चाहता है अब रिस्क क्या है कि two months के बाद rate कहीं बहुत ज़्यादा crash ना कर जाए Since buyer is, there is an uncertainty about price in 60, तो वो investor इसके साथ forward contract में जा सकता है कि मैं आपको छः सिक्सटी days के बाद इस rate पे sell करूँगा दूसरा party उसको उस rate पे बाय कर लेंगे द इक्विटी फॉरवर्ड कैन बी डिलीवर्ड और कैश सेटल ये हमने बात की थी दो मेथड हैं कैश सेटल और डिलीवर्ड डिलीवर्ड में क्या होगा कि वो एक्चुअली शेयर देगा और पूरी पेमेंट लेगा कैश सेटल में क्या होगा जो शेयर की प्राइस में चेंज होगी वो गेन लॉस आपस में एक्सचेंज कर लेंगे लेकिन यहाँ पे एक मिस कह रहा था इंडेक्स में जो बात है इंडेक्स में इट विल बी ऑलवेज बिकॉज इंडेक्स इन वेल्फ कोई पूल नहीं है वो एक नंबर uh, से लिंक्ड है तो वहां पे कैश सेटल्ड ही होते हैं अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन इक्विटी इंडेक्स विल बी कैश सेटल तो इक्विटी का रिलेटेड जो भी इंडेक्स वाला होगा वो कैश सेटल होगा टू एंटर इन टू इक्विटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट द सेलर और द बायर विल हैव अ रिक्वेस्ट टू कोट फ्रॉम डीलर आप कहेंगे कि हम ये बेचना चाह रहे हैं या हम खरीदना चाह रहे हैं यू विल गेट द रेट फ्रॉम द अदर पार्टी एग्जाम्पल देख लेते हैं दर आर मैनेजर मेनटेन द पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक दैट क्लोजली फॉलो एस एन पी फाइव हंड्रेड एस एन पी सैंड एंड पुअर्स की इंडक्स है उसके हमारा पोर्टफोलियो उससे काफ़ी मिलता जुलता है तो हम उसको अपने आप को थोड़ा सेफ गार्ड करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू गारंटी अ रिटर्न ऑफ वन मिलियन फ्रॉम द पोर्टफोलियो द मैनेजर कैन सेल इन इक्विटी इंडेक्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो इंडेक्स का हम फॉरवर्ड कर लेते हैं ये अप्रोच एंड रिसीव अ कोट ऑफ फाइव हंड्रेड फॉर अ नोशनल अमाउंट ऑफ वन मिलियन डॉलर उसको फाइव हंड्रेड का एक आ, रेट मिला और नोशनल अमाउंट क्योंकि इंड, इक्विटी इंडेक्स इन इट सेल्फ कोई वैल्यू नहीं होती उसके साथ फिर नोशनल अमाउंट अटैच होगी तो नोशनल अमाउंट अटैच हो गई वन मिलियन डॉलर की सेटलमेंट पे क्या हुआ इंडेक्स मूव कर गया फोर एटी पे हम लॉक हुए थे पांच सौ पे इंडेक्स आ गया फोर एटी पे तो क्या होगी सेटलमेंट वी लेट सी 500 हंड्रेड माइनस फोर जो डिफरेंस आया डिवाइड बाय ओरिजिनल लेवल जो था 500 तो 4 परसेंट की चेंज आई 4 परसेंट मल्टीप्लाई बाय नोशनल वैल्यू कितनी थी 1 मिलियन सो so 4 परसेंट वन मिलियन का लिया तो दैट इज 40,000 अब इंडेक्स एक्चुअली फॉल कर गया तो लॉन्ग जिसने किया उसको लॉस होगा जिसने शॉर्ट किया था जिसका ख्याल था गिरेगा उसको फायदा होगा तो वो जो शॉर्ट वाले को फोर्टी थाउजेंड मिल जाएंगे लॉन्ग वाला फोर्टी थाउजेंड पे करेगा तो ये गेन लॉस जो उनके इक्विवेलेंट हैं शॉर्ट को गेन हो गया लॉन्ग को लॉस हो गया क्योंकि इंडेक्स गिरा था अगर इंडेक्स चला जाता ऊपर तो लॉन्ग वाले को फायदा हो जाता तो दिस इज हाउ इट वर्क थैंक यू